साथियों आज अपन एक ऐसे बिंदु पर बात करेंगे जो कल से काफी साथियों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर बायोमेट्रिक शुरू होगी या कुछ यूट्यूबर जो ऐसा कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक शुरू हो गई है देखो साथियों इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा और इस चैनल का एक ही माध्यम रहा है कि आपको सच्चाई से रूबरू करवाना ठीक है देखो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों बायोमेट्रिक के बारे में अभी तक न कोई न्यूज आई है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था मुख्यमंत्री युवा बल योजना का उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है ठीक है ना और राजस्थान के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ दे तो उसमें वही बायोमेट्रिक हो सकती है लेकिन इंटरनशिप में कभी भी बायोमेट्रिक लागू नहीं होगी क्योंकि अधिकांश जो युवा साथी हैं जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं वो अपने लेवल पर अपनी सेटिंग बिठा चुके हैं सेटिंग का मतलब साथियों आप जान रहे हो मैं क्या कह रहा चाह रहा हूँ ठीक है यदि मान लो कि भाई ऐसा होता है तो भाई इंटरनशिप करने वाले लगभग मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी युवा है वो इंटर्नशिप करने के लिए नहीं जाएगा क्योंकि वैसे ही हमारे युवा परेशान हो रहे हैं तो मैं उन यूट्यूबरों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार की जानकारी ना डालें आप थमनल पर इस प्रकार की जानकारी न लिखें क्योंकि मेरा राजस्थान का युवा है वो वैसे ही परेशान हो चुका है यदि मान लो बायोमेट्रिक शुरू हो जाएगी तो फिर भाई क्या हाल होगा ठीक है तो साथियों मैंने जब उस यूट्यूबर के पास कॉल किया था उसका यही मानना था और वो ये कह रहा था कि मैंने तो सिर्फ अपने अनुमान से बताया है कि ऐसा हो सकता है अरे भाई ऐसे आप क्या भगवान हो गए यदि आप ऐसा ही हैं तो आप ये बता दीजिए कि इंटर्नशिप उस तारीख को स्थगित हो जाएंगी तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन बेरोजगारों के साथ आप खिलवाड़ ना करें पहले ये परेशान हैं तो मेरे दोस्तों आप घबराइए मत आप टेंशन मुक्त रहिए आप जहाँ इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं यदि आपके पास समय है ठीक है तो आप कर सकते हैं और भाई देखो मैं तो इतना ही मानता हूँ कि भाई यदि आपको लगता है कि भाई मैं कंपटीशन की तैयारी करने से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा और मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लूँगा तो मेरे दोस्तों में एक ही बात कहता हूँ कि आप इंटर्नशिप को लात मार सकते हो ठीक है क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है क्योंकि एक युवा के लिए एक एक सेकंड की जो कीमत होती है वो पढ़ने वाला युवा से पूछ सकते हो जो कभी पॉइंट नंबरों से पीछे रहा होगा ठीक है ना तो दोस्तों फैसला आपको ही लेना है है ना इंटर्नशिप करनी है नहीं करनी है लेकिन बायोमेट्रिक से आप मुक्त रहें ठीक है ना ऐसा कुछ होगा भी नहीं और आने वाले समय में बायोमेट्रिक लागू भी नहीं होगी क्योंकि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पहुँचना तो मुश्किल वहाँ इंटरशिप कोई कब माई का लाल भी लागू नहीं कर सकता ठीक है तो इस प्रकार के यूट्यूबरों से सावधान रहें देखो साथियों मैं चाहता तो मैं भी आपसे मीठी मीठी बातें कर सकता था और 10 या 15 मिनट का वीडियो बनाकर आपके समय को बर्बाद कर देता लेकिन दोस्तों ध्यान रखना मेरा हर दम एक ही उद्देश्य रहा है कि कम समय में आपको जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवाता हूं नहीं तो मेरे जो वीडियो होते हैं दो या ढाई या तीन मिनट के आपको मिलेंगे जो अधिकतम कभी मिलता है तो चार या पाँच मिनट का वीडियो कभी हो सकता है ठीक है नहीं तो देखो साथियों ये कलयुग है और इस कलयुग में आपकी मजबूरी का फायदा खाने वाले लोग बहुत ही आएंगे, ठीक है ना वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, देखो भाई मामा जयंती खाने से नॉलेज नहीं आता है ठीक है ना नॉलेज आता है इंसान को घूमने से है ना आप रोजगार कार्यालय जाओ विजिट करो ये नहीं है आप किसी का वीडियो देखकर उसकी टूको टूकॉपी आप चेप रहे हो इसे आप तो इसलिए आप अधूरी जानकारी आपके पास हो जाती है और आप सामने वाले को अधूरा ज्ञान देते हो तो कहीं ना कहीं वो अधूरा ज्ञान है वो दूसरों को परेशान करता है ठीक है तो खुश रहें मस्त रहें और बेरोजगारी भत्ता अपना प्राप्त करते रहे ठीक है ना मैंने स्पेशल इस वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बार बार जो कॉमेंट्स आ रहे हैं वो बायोमेट्रिक को लेकर आ रहे हैं ठीक है ना ऐसी कोई न्यूज है नहीं और आने वाली भी है नहीं और मैं कह नहीं सकता कि भाई एक ऐसा हो जाए तो ठीक क्योंकि सरकार है सरकार का कुछ नहीं पता क्योंकि इंटरशिप योजना का पता नहीं था कि इंटरनशिप योजना आ जाएगी क्योंकि जब तीन हजार पैंतीस सौ दिए गए थे तो पूरे राजस्थान में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई तीन हजार पैंतीस सौ मिलेंगे और मिले भी लेकिन इंटरनशिप लागू होने से क्या हो गया बेरोजगार नाखुश हो गए क्योंकि ये तीन हजार पैंतीस सौ वो बत्ता था जो अनेक परिवारों की खुशियों को रौनक लेकर आया और कईयों को गवर्नमेंट जो भी प्राप्त हुई इससे ना तो आप टेंशन ना लें इस पर हम प्रयास करेंगे इंटरनशिप को निरस्त करवाने के लिए ठीक है ना आप भी हमारा सहयोग दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे युवा साथी परेशान हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ठीक है और हमारा दूसरा चैनल है जो बेरोजगारी भत्ते का एजुकेशन सर उससे भी आप जुड़ सकते हो ताकि ऐसे अफवाह जो लोग यूट्यूब पर आए हैं उनसे आप बच सकें मान लो कभी इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाए तो उस चैनल पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे ठीक है तो धन्यवाद